अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, हार्वेस्टर दो किस्म की होती हैं और दोनों ही हमारे खेत में लगी हुई हैं। ये एक सामने है जो कटाई करती है और साथ भूसा नीचे फेंक देती है, और दूसरी उसके सामने लगी हुई है, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो जो है भूसा अंदर स्टोर करती है, इसके पीछे जो है बॉकेट नहीं लगा हुआ, ये भूसा स्टोर नहीं करती है, ये देखिए। और दूसरी जो है वो क्योंकि वहाँ तो ये भूसा नीचे फेंकती रहती है, तो इतना वो नहीं होता, उसका स्पीड से काम करती है, लेकिन यहाँ इसको स्लो स्लो चलना पड़ता है क्योंकि ये भूसा बारीक करके स्टोर भी करती है, और काफ़ी ज़्यादा वज़न भी इसको उठाना पड़ता है क्योंकि इसके पीछे फिर भूसे का वज़न भी होता है, और जो दाना स्टोरेज इसके अंदर होता है वो दाने का वज़न भी होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है इसको वज़न उठाना पड़ता है।
देखिए दोस्तों, हमारी देसी लाइफ विलेज लाइफ में ये मज़े होते हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये बताऊं का है, बताऊं ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये है बताऊं, और ये हमने निकाले हैं, अभी तोड़े हैं इन सब से। अभी ये भी तोड़ लेते हैं, सालन बनाएंगे शाम को। ये देखिए, और ये सारे जो है मैंने निकाले हैं तोड़ के। ये इस जगह पे जहाँ भी ये नेपर ग्रास है हमारा, इसके बीच में ही बताऊं भी हमारे लगे हुए जो मैंने निकाले हैं अभी। आप ये देखिए, ये सारे ये मैंने यहाँ से निकाले हैं। ये हमारी देसी लाइफ भाई, फ्रेश सब्जियाँ जो है ना घर की, बस यही हमारी मौजें हैं। ये कमाद भी है और घास भी है यहाँ पे चारा बारा, तो इसके अंदर साथ साथ सब्जियाँ भी होती हैं हमारी। अभी वहाँ पे थोम भी हमने निकाला, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ।